ओम शांति 24 अप्रैल साकार मुरली मीठे बच्चे तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। प्रश्न, संगम योगी ईश्वरी परिवार की विशेषता क्या है जो सारे कल्प में नहीं होगी? उत्तर, इसी समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर तुम्हें गुलगुल फूल बनाकर साथ ले जाते हैं। सतयुग में देवी परिवार होगा लेकिन ऐसा ईश्वरी परिवार नहीं हो सकता। तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो, राजयोगी भी हो, राजाई के लिए पढ़ रहे हो। ओम शांति, यह स्कूल व पाठशाला है। किसकी पाठशाला है? आत्माओं की पाठशाला। यह तो जरूर है, आत्मा शरीर बेगर कुछ सुन नहीं सकती। जब कहा जाता है आत्माओं की पाठशाला तो समझना चाहिए आत्मा शरीर बेगर तो समझ नहीं सकती। फिर कहना पड़ता है जीव आत्मा। अभी जीव आत्माओं की पाठशाला तो सभी है, इसलिए कहा जाता है यह है आत्माओं की पाठशाला और परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तो यह हो गई गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। भगवान उवाच है ना, यह भक्ति मार्ग नहीं है, यह पढ़ाई है। स्कूल में पढ़ाई होती है, भक्ति मंदिर टिकाणों आदि में होती है, इसमें कौन पढ़ाते हैं? भगवान उवाच। और कोई भी पाठशाला में भगवान उवाच होता ही नहीं है, सिर्फ यह एक ही जगह है जहाँ भगवान उवाच है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान को ही ज्ञान सागर कहा जाता है, वही ज्ञान दे सकते हैं। बाकी सब है भक्ति। भक्ति के लिए बाप ने समझाया है कि उससे कोई सदगति नहीं होती। सर्व का सदगति दाता एक परमात्मा है, वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा सुनती है शरीर द्वारा, और कोई नॉलेज आदि में भगवान उवाच है ही नहीं। भारत ही है जहाँ शिव जयंती भी मनाई जाती है। भगवान तो निराकार है, फिर शिव जयंती कैसे मनाते हैं? जयंती तो तब होती है जब शरीर में प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं मैं तो कभी घर में प्रवेश नहीं करता हूँ। तुम सब घर में प्रवेश करते हो, 84 जन्म लेते हो। सबसे जास्ती जन्म यह लक्ष्मी नारायण लेते हैं। 84 जन्म लेकर फिर सांवरा गावड़े का छोरा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण कहो या राधे कृष्ण कहो, राधे कृष्ण है बचपन के। वह जब जन्म लेते हैं तो स्वर्ग में लेते हैं, जिसको वैकुंठ भी कहा जाता है। पहला नंबर जन्म इनका है, तो 84 जन्म भी यह लेते हैं। श्याम और सुंदर, सुंदर सो फिर श्याम। कृष्ण सबको प्यारा लगता है, कृष्ण का जन्म तो होता ही है नई दुनिया में। फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में पहुंचते हैं तो श्याम बन जाते हैं। यह खेल ही ऐसा है। भारत भले सतो प्रधान सुंदर था, अब काला हो गया है। बाप कहते हैं इतनी सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं, अभी सब काम चिता पर बैठकर जलकर काले हो गए हैं। मैं आकर सबको वापस ले जाता हूँ। यह सृष्टि का चक्र ही ऐसा है। फूलों का बगीचा वह फिर कांटों का जंगल बन जाता है। बाप समझाते हैं तुम बच्चे कितने सुंदर विश्व के मालिक थे, अब फिर बन रहे हो।
ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ये 84 जन्म भोग फिर ऐसे बन रहे हैं, अर्थात उनके आत्मा अब पड़ रही है। तुम जानते हो सतयुग में अपार सुख है, जो कभी पाप को याद करने की दरकार भी नहीं रहती है। गायन है दुख में सिमरन सब करे, किसका सिमरन? बाप का। इतने सबका सिमरन नहीं करना है, भक्ति में कितना सिमरन करते हैं जानते कुछ भी नहीं। कृष्ण कब आया, वह कौन है, कृष्ण भी जानते नहीं। कृष्ण और नारायण के भेद को भी नहीं जानते हैं। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच, फिर उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको फिर देवता कहा जाता है। लोग तो सभी को भगवान कहते रहते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं सर्वव्यापी तो माया पांच विकार है, जो एक एक के अंदर है। सतयुग में कोई विकार होता नहीं, मुक्ति धाम में भी आत्माएं पवित्र रहती हैं, अपवित्रता की कोई बात नहीं। तो यह रचयिता बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे तुम आस्तिक बनते हो। तुम एक ही बार आस्तिक बनते हो। तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है। गाया भी जाता है मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है तो हीरे जैसा जीवन बनता है। लक्ष्मी नारायण को हीरे जैसा नहीं कहेंगे, तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है। तुम हो ईश्वरीय संतान, यह है देवी संतान। यहाँ तुम कहते हो हम ईश्वरीय संतान है, ईश्वर हमारा बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर है ना, राजयोग सिखलाते हैं। यह ज्ञान एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है। यह है उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का युग, जिसको दुनिया नहीं जानती। सब कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, सबका विनाश सामने खड़ा है। इसलिए अब कोई से भी बच्चों को संबंध नहीं रखना है। कहते हैं अंतकाल जो स्त्री सिमरे, अंत समय में शिव बाबा को सिमरेंगे तो नारायण योनि में आएंगे। यह सीढ़ी बहुत अच्छी है, लिखा हुआ है हम सो देवता फिर सो क्षत्रिय आदि। इस समय है रावण राज्य, जबकि अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल और धर्मों में फंस पड़े हैं। यह सारी दुनिया लंका है, बाकी सोने की लंका कोई थी नहीं। बाप कहते हैं तुमने अपने से भी जास्ती मेरी ग्लानी की है, अपने लिए 84 लाख और मुझे कण कण में कह दिया है। ऐसे अपकारी पर मैं उपकार करता हूँ। बाप कहते हैं तुम्हारा दोष नहीं, यह ड्रामा का खेल है। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक यह खेल है, जो फिरना ही है। इसको सिवाय बाप के कोई समझा न सके। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो, तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान, तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। सतयुग में होगा देवी परिवार, इस ईश्वरीय परिवार में बाप तुमको संभालते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, फिर गुलगुल बनाकर साथ भी ले जाएंगे। तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए, ग्रंथ में भी है मनुष्य से देवता की ये करत न लागी वार। इसलिए परमात्मा को जादूगर कहा जाता है, नरक को स्वर्ग बनाना जादू का खेल है ना। स्वर्ग से नरक बनने में 84 जन्म, फिर नरक से स्वर्ग चपटी में सेकंड में बनता है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। मैं आत्मा हूँ, आत्मा को जान लिया, बाप को भी जान लिया,
और कोई मनुष्य यह नहीं जानते कि आत्मा क्या है। गुरु अनेक हैं, सतगुरु एक हैं। कहते हैं सतगुरु अकाल, परमपिता परमात्मा एक ही सतगुरु है। परंतु गुरु तो ढेर है, निर्विकारी कोई है नहीं। सब विकार से ही जन्म लेते हैं। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, तुम सब यहाँ राजाई के लिए पढ़ते हो। राजयोगी हो, बेहद के सन्यासी हो, वह हठयोगी है, हद के सन्यासी। बाप आकर सभी की सदगति कर सुखी बनाते हैं। मुझे ही कहते हैं सतगुरु अकाल मूरत। वहां हम घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते और लेते हैं, काल नहीं खाता। तुम्हारी भी आत्मा अविनाशी है, परंतु पतित और पावन बनती है, निर्लेप नहीं है। ड्रामा का राज भी बाप ही समझाते हैं। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाएंगे ना। ज्ञान का सागर वही एक बाप है, वही तुमको मनुष्य से देवता डबल सरताज बनाते हैं। तुम्हारा जन्म कौड़ी जैसा था, अब तुम हीरे जैसा बन रहे हो। बाप ने हम सो हम का मंत्र भी समझाया है। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, हम सो हम। बाप कहते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे बन सकती है। बाप तुमको समझाते हैं हम आत्मा इस समय तो ब्राह्मण है, फिर हम आत्मा ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सो क्षत्रिय बनेंगे, फिर शूद्र सो ब्राह्मण। सबसे ऊंचा जन्म तुम्हारा है, यह है ईश्वरीय घर। तुम किसके पास बैठे हो? माता पिता के पास। सब भाई बहन है, बाप आत्माओं को शिक्षा देते हैं। तुम सब हमारे बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो, इसलिए परमात्मा बाप से हर एक वर्षा ले सकते हैं। बूढ़े छोटे बड़े सबको हक है बाप से वर्षा लेने का। तो बच्चों को भी यही समझाओ, अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने है, इसलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना है। अंतकाल में एक बाप की याद रहे। दूसरी पॉइंट, श्याम से सुंदर पतित से पावन बनने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यही समय है उत्तम पुरुष बनने का। सदा इसी स्मृति में रह, स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। वरदान, किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले पर मत से मुक्त भव। विस्तार है, कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, कर कुछ नहीं सकते और सुन लेते हैं, तो वह समाचार बुद्धि में चला जाता, फिर टाइम वेस्ट होता। इसलिए बाप की आज्ञा है, सुनते हुए भी नहीं सुनो। अगर कोई सुना भी दे तो आप फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो, तब कहेंगे पर मत से मुक्त। स्लोगन, जिनके दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन YouTube,
Subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.